नमस्कार। देश में हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, साथ ही साथ इस बढ़ती हिंसा में देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पहले जामिया, फिर एएमयू और अब जेएनयू। आपको बता दें कि बीते दिन जेएनयू में भीषण हिंसा हुई। ऐसे में अब साबरमती हॉस्टल में हुई हिंसा के बाद हॉस्टल के सीनियर वार्डन आर मीडन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने डीन को लिखे इस्तीफे में कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हॉस्टल की सुरक्षा नहीं कर सके, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल रविवार को नकाबपोश लोगों ने हॉस्टल में घुसकर मारपीट की, जिसमें जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष समेत 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब हिंसा हुई है तो इस पर सियासी बयान सामने ना है, ऐसा हमारे देश में कमी देखने को मिलता है। बताते चले कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस हिंसा को लेकर बीजेपी की फांसीवादी स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा, एक ओर केंद्र सरकार ने वहां गुंडे भेजे और दूसरी ओर पुलिस को निष्क्रिय कर दिया। ममता दीदी ने कहा, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है कि ऐसे खतरनाक ढंग से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसी अनेक जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे SS लोकल लाइव। धन्यवाद।